श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्र छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं कक्षा विषय हिंदी, साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी अध्याय एक संत कबीर शीर्षक पदावली पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। हिंदी कक्षा 11 हिंदी का व्यंजलिका, सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी अध्याय एक संत कबीर शीर्षक पदावली। संत तीसरा है, पदावली नंबर 3 किताब में देखिए। संतों भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबै उड़ानी उड़ाड़ी, माया रहे न बाधी रे, दुष्टे की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा तिसड़ा छानी पर घर ऊपर, कुबुध का भंडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बाधी, निड़चो चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम सीना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, दोहावली। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद पदाव पद भक्त काल के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि कबीर दास द्वारा विरचित पदावली शीर्षक से लिया गया है। पुनः संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद भक्त काल के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि कबीर दास द्वारा विरचित उद्घृत पदावली शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में इस साखी में कबीर दास जी ज्ञान द्वारा नष्ट होने वाले अज्ञान का वर्णन करते हुए कह रहा। प्रसंग इसका होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान द्वारा नष्ट होने वाले अज्ञान का वर्णन करते हुए करें, ज्ञान द्वारा नष्ट होने वाले अज्ञान का वर्णन है। व्याख्या देखिए, ऐ संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। ऐ संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है, माया रूपी रस्सी से कसकर बधी होने पर भी भ्रम की टाटी सब उड़ गई। जैसे भयंकर आंधी आने पर
लोग टाटी या पर्दे से आड़ कर किए रहते हैं। जब भयंकर बवंडर रूपी आंधी आ जाती है, सारी टट्टियाँ, सारी टाटियाँ, सारे पर्दे उड़ जाते हैं। उसी प्रकार है, संत भाइयों, कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई है कि जो माया रूपी अज्ञान द्वारा कस कर बधी होने पर भी अज्ञान रूपी भ्रम की टाटी सब उड़ गई। किसकी टाटी उड़ गई? अज्ञान, ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर सारे अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। कितनों भी अज्ञान रूपी माया से कसकर बधी होने पर भी, अज्ञान रूपी माया से कसकर बधी होने पर भी ज्ञान की सब टाटी उड़ गई। अर्थात ज्ञान के प्राप्त होते ही सारा अज्ञान नष्ट हो गया। ज्ञान के आते ही सारा अज्ञान दूर हो गया। अज्ञान रूपी माया रूपी रस्सी से कस कर बधी होने पर भी, अज्ञान रूपी रस्सी से, सांसारिक माया रूपी रस्सी से कस कर बधी होने पर भी अज्ञान रूपी भ्रम की टाटी उड़ गई। अर्थात अज्ञानता के नष्ट होते ही ज्ञान उत्पन्न हो गया। दुचते की द्वैत थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, द्वैत भावना की जो थुनिया थी, इधर उधर मढ़ा में जो थुनी लगल है, द्वैत भावना की जो थुनिया थी वह ज्ञान रूपी आंधी के आते ही वह गिर गई। और उसके ऊपर जो मोह रूपी बनेरा लगा हुआ था वह थुनी पर, वह भी टूट गया। वह भी टूट गया, मोह रूपी जो बनेरा लगा हुआ था वह भी टूट गया, वह भी टूट गया। आंधी के वेग के कारण उसके सारे छप्पर उड़ गए। तीसरा रूपी छप्पर संभाल नहीं सके, तीसरा छानी पर घर ऊपर, उस घर के ऊपर इतना ही नहीं, तीसरा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर भी टूट गए। तीसरा रूपी छप्पर को जो संभाला हुआ सहतीर था, तीसरा रूपी छप्पर को जो संभाले हुए जो सहतीर था वह भी टूट गया। सहतीर टूटते ही शारीरिक अहंकार दूर हो गया, शारीरिक अहंकार भी दूर हो गया। जैसे जोग जुगत कर कुबुद का भंडा फूटा, जैसे भक्त लोगों ने घर के अंदर सारे बर्तन उतर रखे रहते हैं, जब छप्पर गिरता है, छप्पर के गिरने से वह सारे बर्तन उर्तन भी चकनाचूर हो जाते हैं, झोपड़ी में रखे बर्तन भी टूट जाते हैं। उसी प्रकार शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो जाते हैं। दुर्बुद्धि का कुबुद्धि का भंडा फूट जाता है, दुर्बुद्धि की वासनाएं सारी समाप्त हो जाती हैं।
दुर्बुद्ध की सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। जोग जुगत कर संतो बाधी भक्त लोगों ने उस छप्पर को बड़े ही जोग जुगति पूर्वक, यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक बड़े मजबूती से छाया था कि उसके अंदर अज्ञान का एक बूंद भी चूने न पावे, उसके उसके ऊपर से नीचे एक बूंद भी पानी गिरने न पावे। अर्थात भक्तों को, संतों को अज्ञान ने इतना ग्रसित कर लिया था कि इस शरीर रूपी छप्पर के नीचे एक बूंद भी निर्चो चुए न पानी रे, एक बूंद भी पानी चूने न पावे। अर्थात ज्ञान का जरा सा भी प्रसार होने न पावे। ज्ञान की प्राप्त हुई जब संतों को, भक्त लोगों को ज्ञान की प्राप्त हुई, उसे वास्तविकता समझ में आ गया, ये बाहरी छप्पर माया मोह है, व्यर्थ है। जब उसे वास्तविकता का समझ आ गया, संतों को वास्तविकता का समझ आ गया, तो कहा कि ये मोह है, व्यर्थ है। उन्होंने योग की युक्तियों और सद्बुद्धियों की सहायता से, जोग जुगत कर संतो, योग की युक्तियों और सद्बुद्धियों की सहायता से अपनी युक्ति पूर्वक सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया था। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल गया। कूड़ कपट काया का निकसा हर की गति जब जानी। जब भक्त लोगों को भगवान राम की ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके अंदर से सारा काया माने शरीर, उनके शरीर के अंदर से सारा कूड़ा करकट निकल गया, बाहर हो गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी आने के बाद फिर जल की वर्षा होती है गर्मी में, आंधी के बाद जो जल की वर्षा हुई उसमें प्रेम हरि जन भीना, भगवान के भक्त सब भीग गए, भगवान के भक्त सब भीग गए। कहें कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम सीना। इस प्रकार भान के प्रकटे उदित भया तम सीना, इस प्रकार अंधकार रूपी सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार दूर हो गया। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अंधकार रूपी अज्ञान सारा मिट गया, अज्ञान रूपी अंधकार सब समाप्त हो गया। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, ऐ संत भाइयों ज्ञान की आधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबै उड़ानी, माया रहे न बाधी रे। माया रूपी रस्सी से कसकर बधी होने पर भी भ्रम की टाटी उड़ गई, अर्थात ज्ञान के आते ही सारा अंधकार दूर हो गया, सारा भ्रम निकल गया। दुष्टे की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा फूटा। उस मड़ाहा पर द्वैत भावना की जो दो थुनिया थी, द्वैत भावना की जो थुनिया थी वो भरभरा कर टूट गई। उसके ऊपर रखा हुआ मोह रूपी बनेरा भी टूट गया। तीसरा छानी पर घर ऊपर कुबुद घंटा फूटा। भक्तों ने उस मड़हा पर तीसरा रूपी छप्पर से
जो मढ़ा को छाया था उसके अंदर एक बूंद भी पानी न टपकने पावे। तो भक्तों को जब ज्ञान हुआ तो उनके अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। जोग जुगत कर संतो माधी संत लोगों ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ, संतों को तो वास्तविकता का ज्ञान हुआ, उन सबको वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने शरीर रूपी समझ गए कि बाहरी छप्पर माया मोह सब व्यर्थ हैं। उन्होंने योग युक्तियों के द्वारा जोग जुगत कर संतों बाद उन्होंने योग युक्तियों के द्वारा इतना जम कर बांधा था कि नीचो चुए न पानी, उस मढ़ा के नीचे जरा भी पानी न टपकने पावे, अर्थात इस माया रूपी शरीर के अंदर जरा भी ज्ञान का प्रसार न होने पावे। कूड़ कपट काया का निकसा, जब भक्तों को भगवान राम का ज्ञान हुआ तो उनके शरीर से सारा कूड़ा कपटा निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना, आंधी के बाद जो जल की वर्षा हुई उसमें भगवान के सारे भक्त भीग गए, भगवान के भक्त रस से रसबोर हो गए, तराबोर हो गए। कहे कबीर भान के प्रकट के इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते। भान कहे कबीर भान के प्रकटे, भान माने सुर, कहे कबीर भान के प्रकटे, भान माने सुर, भान ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान रूपी अंधकार सब मिट गया। अज्ञान तम माने अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार सब मिट, कहे कबीर भान के प्रकटे। उदित भया तम सेना, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही सारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, सारा अंधकार रूपी अज्ञान दूर हो गया। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, काव्य सौंदर्य महात्मा कबीर के अनुसार ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधन फल हैं, उसके मतानुसार भक्ति एवं ज्ञान अभिन्न है। भाषा पंचमेर खिचड़ी, छंद गेय पद, रस छंद गेय पद, शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद गुण, रस शांत रस,